You, what's up guys? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लॉकी क्राफ्ट गेमप्ले सीरीज। तो गाइस आपने देखा था कि पिछली वाले वीडियो में हमने क्या क्या नहीं बना डाला, अब तो मुझे याद भी बोलना भूल गया हूँ। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी इस स्काई हाउस से, कासल से, और फिर बनाया था अपना पिज़्ज़ा बर्गर, फिर बनाया था वहाँ पर बर्गर, और फिर यहाँ पर बनाया था पिज़्ज़ा की स्लाइस, और वहाँ पर बनाया था एक मस्त वाला कोका कोला कैन वाला, और यहाँ पर इस साइड बनाया था, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा सब्सक्राइबर सैंडविच हाउस भी बनाया था। सैंडविच बस देखने को था, हाउस तो हमने उस पर नहीं बनाया था, इसीलिए थोड़ी सी गलती तो हो जाती है कभी ना कभी। बट फिर भी आज हम बनाने जा रहे हैं एरोप्लेन क्रैश हाउस, मतलब क्रैश एरोप्लेन का एक हाउस बनाएंगे भाई, समझ रहे हो, वही चीज़ बनाएंगे आज, तो समझ रहे हो तो इसलिए बढ़िया बात है। तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो, ये भी बात समझ जाओ भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भाई। तो इसी के लिए मैं ना यहाँ पर जा रहा हूँ कि कोई जगह मिल जाए जिसमें हम एरोप्लेन को क्रैश करवाएं और फिर बस आपको दिखा दें, मस्त होएगा। तो गाइस आपको तो पता है कि लॉकी क्राफ्ट में कभी भी एरोप्लेन क्रैश, एरोप्लेन तो होता ही नहीं है, ना ही माइनक्राफ्ट में, बट हम आपको एरोप्लेन बना कर दिखाएंगे और उसे क्रैश क्रैश हुआ दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ। अरे किधर जा रहा हूँ मैं, तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं कोका कोला पार कर आया हूँ भाई, देखो नदी निकली हुई है यहाँ से मस्त वाली, तो इसे तो छोड़ते, इधर आग कैसे लग गई, तो शायद यहाँ पर बिजली होगी तो आग बढ़ ना जाए, इसीलिए मैं इसे काट देता हूँ भाई। अरे यार एक्स भी नहीं है मेरे पास, तो इसे हाथ से काटना पड़ेगा, तब तक मैं करता हूँ आपसे बातें। तो बात ये है कि गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ा जंगल है, तो इसके लिए मैं एक्स भी बना लेता हूँ, वुड भी मुझे को मिल ही गया, तो बढ़िया है, वुड का मैं एक्स वगैरह बना लूँगा, आप क्राफ्टिंग टेबल तो मेरे पास है ही वैसे। तो यहाँ पर ना हम यहाँ पर एक एरोप्लेन क्रैश करवाएंगे, मतलब एक एरोप्लेन का ढांचा बना देंगे, तो वो आपको ऐसा लगेगा कि भाई एरोप्लेन सच्ची में क्रैश हुआ है। तो आप तो भाई बर्गर हाउस को, अगर आपने बर्गर हाउस वाली वीडियो नहीं देखी तो भाई आपने क्या देखा फिर दुनिया में, तो जाओ और बर्गर हाउस वाली भी वीडियो देखो, तो दिखा देता हूँ भाई आपको, सामने से दिखाते हैं बर्गर हाउस क्या मस्त है भाई, अंदर से भी काफ़ी मस्त लग रहा है। बट चलो कोई बात नहीं, आज हम जिस जो चीज़ हम आज बनाने वाले हैं वो चीज़ दुनिया में शायद ही किसी ने बनाई हो, तो बनाते हैं फिर आज एरोप्लेन क्रैश्ड हाउस। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि भाई असली वाली माइनक्राफ्ट खेलो, लोकी क्राफ्ट नहीं, माइनक्राफ्ट की वीडियो डालो। तो गाइज़ उनको मैं बता देता हूँ कि गाइज़ अभी मैं मोबाइल से प्ले कर रहा हूँ, तो इतने ज़्यादा मेरे पास पैसे तो नहीं है कि मैं माइनक्राफ्ट को ख़रीद लूँ, बट किसी ना किसी तरीके से मैं माइनक्राफ्ट को डाउनलोड करूँगा और खेलूँगा, क्योंकि आपने कहा है तो पक्का करूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि माइनक्राफ्ट की वीडियो आए डेली आए, तो प्लीज़ 1K सब्सक्राइब तो करवा ही दो भाई, अभी कुछ 500 कुछ हो चुके हैं, तो आप 1K सब्सक्राइब करवा दोगे तो माइनक्राफ्ट की वीडियो तो पक्का आएगी भाई। तो देखते हैं कब तक माइनक्राफ्ट की वीडियो आती है, मुझे मालूम है कि हफ्ते के बाद तो मैं माइनक्राफ्ट की वीडियो डाल ही दूंगा, क्योंकि शायद डाल ही दे वीडियो, क्योंकि देखते हैं कोई चक्कर मैंट लगाते हैं और करते हैं माइनक्राफ्ट का हीला विसीला, और फ़ोन में खेलते हैं, कैसे खेलते हैं मुझे नहीं मालूम, बट खेल कर आपको दिखाएंगे, प्रो बनकर दिखाएंगे उसके में। तो आप बस क्या, आपने बस क्या कर रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो देखते हैं भाई हमसे जहाज़ बन पाता या नहीं बन पाता, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फाइनली गाइस जो सामान हमें जहाज़ बनाने में लगेगा वो सामान मैं लेकर आ चुका हूँ इस चेस्ट में। तो गाइस आपको पता है कि हमेशा की तरह मैं एक चेस्ट रखता हूँ और उसमें जो सामान लगना है वो मैं पहले से मतलब लेकर आता हूँ, जो वीडियो में मैं नहीं दिखाता, तो इसको करने में भी भाई गाइस काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, बट आपको कोई मेहनत नहीं लगेगी, बस आपको दाहिने हाथ के अंगूठे से बस लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को बस क्लिक करना है भाई, और साथ ही साथ लाइक वाले बटन को भी क्लिक कर देना है, तो यही है आपकी मेहनत। देखते हैं भाई आप मेहनत करना पसंद करते हैं या फिर नहीं, तो चलते हैं। तो आज का जहाज़ बनाना हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर हम पूरा का पूरा जहाज़ बना देंगे भाई, यहाँ पर, यहाँ से हमारे जहाज़ का मुँह होगा और वहाँ पर एंड होगा, इस तरफ उसके विंग होंगे, बहुत बढ़िया लगेगा। तो करते हैं आज के जहाज़ की स्टार्टिंग। तो जहाज़ हम बनाएंगे नैदर कोटेज से, ब्लॉक ऑफ कोटेज। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने लाइट ब्लू वूल भी ली है और साथ ही में साथ ब्लैक वूल भी ली है, जो थोड़ी बहुत इसमें मतलब डेकोरेशन सी आ जाएगी उसमें जहाज़ में, और बढ़िया लगेगा। वैसे जहाज़ ये बीच से टूटा होगा, जैसे कि असल में किसी ने ना क्रैश कर दिया हो किसी पायलट ने, वैसा हो वैसा मतलब आपको देखने को मिलेगा। तो करते हैं फिर स्टार्ट, जहाज़ बनाते हैं।
तो फाइनली गाइस हमने कर दिया एक ऐसा काम जो इस काम में बहुत ज़्यादा दखल देने वाला था, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पेड़ थे वो हमने काट दिए इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर हमारा एरोप्लेन क्रैश होगा। तो एरोप्लेन क्रैश तभी होगा, ज़मीन तक तभी लगेगा जब यहाँ पर कोई पेड़ नहीं होगा। तो यहाँ से सीधे के सीधे जितने भी पेड़ थे मैंने काट दिए हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क लग गया। तो आप भी अगर हार्ड वर्क करना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दो भाई। तो आप भी कमेंट करा करो कि भाई कौन अगली वीडियो में हम क्या देखना चाहते हैं, वो भी कमेंट कर दिया करो यार। तो करते हैं फिर अब जहाज़ तो हमने बिल्ड करना था, तो मेरे पास नेदर कोड है, चलते हैं नीचे और करते हैं बिल्ड। अरे 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 मौत से मुंह से खेलता हूँ मैं हर बार। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब नेचुरल वाइब आ रही है, पूरा का पूरा जंगल है ये। तो यहाँ पर अब करते हैं बिल्ड ये ब्लॉक ऑफ कोर्ट है, इसको रखते हैं हम पूरे सेट यहाँ पर। तो कैसे आप देखते हैं कि यहाँ से लेकर हमें इस साइड जाना है, सबसे पहले तो इस साइड जाना है हमें, जितना हमें मतलब बड़ा जहाज़ बिल्ड करना है। तो इस साइड का जहाज़ हो गया, अब मतलब इस साइड का हो गया, तो अब यहाँ से अरे दो ब्लॉक रख लें, हाँ दो ब्लॉक रख लेते आगे। तो यहाँ पर ऐसे करके पूरा पूरा बराबर बराबर रखना है, कि मतलब वहाँ से छोटा यहाँ से बड़ा वैसा नहीं करना। तो करते हैं फिर इसे अच्छे तरीके से बिल्ड। तो आपको आउटलाइनिंग कर कर दिखा देते हैं, फिर बाद में आप भी कर लेना अपने वर्ल्ड में चाहे। तो करते हैं फिर स्टार्ट। तो गाइस आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत तो आउटलाइनिंग मैंने कर दी है, ये इतना बड़ा जहाज़ नहीं होगा, ये जहाज़ का आधा पार्ट है। तो आधा पार्ट तो यहाँ पर है और आधा पार्ट है पीछे, वो अभी बनाना है उसको भी। तो इसको पूरा मतलब ऊपर से बिल्ड करेंगे ना गोल का गोल, तो आपको पूरा का पूरा मस्त लगेगा। तो करते हैं उसको भी बिल्ड स्टार्ट करते हैं और एक मस्त सा जहाज़ बनाते हैं। तो आपने भी ऐसे ही कर लेना है भाई, अगर आप अपने वर्ल्ड में बनाना चाहते हैं तो मस्त लगेगा आपका भी वर्ल्ड। आपके वर्ल्ड में भाई एरोप्लेन होगा तो कितना ज़्यादा मस्त लगेगा, वो भी क्रैश हुआ हुआ। तो करते हैं फिर इसे स्टार्ट और भी अच्छा सा ओपी बनाते हैं। अब मैं इसको ना पूरा का पूरा गोल कर कर दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। तो गाइस फाइनली मैंने थोड़ा बहुत तो काम कर ही दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर बनाया एक इसका मुंह बना दिया, यहाँ से पूरा का पूरा गोल हम गोल कर दिया भाई ऊपर से, तो बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। यहाँ पर अभी ना हम और ज़्यादा भी कुछ बिल्ड करने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा सामान यहाँ पर लेकर रख भी लिया है। और यहाँ का अब आधा हिस्सा हो चुका है, अब आधा हिस्सा जो पीछे वाला होता है जहाज़ का वो भी हम यहाँ पर बिल्ड करने वाले हैं। तो वो भी अभी अभी कर देते हैं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दो भाई। तो चलो फिर पिछले का पिछला हिस्सा भी बिल्ड करते हैं। मैं नीचे इसलिए नहीं उतर रहा कि भाई फिर चढ़ना पड़ेगा, और अब मुझे चढ़ना तो फिर उतरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पर है भाई स्केल्टन हॉर्स। इनसे पंगा नहीं लेना, मैं बहुत बार इनसे पिट चुका हूँ बट फिर भी मैं इनसे पंगा नहीं ले रहा। अभी भी मेरे पास वो भी नहीं है, तो मैं वो बनाकर यहाँ से इनको मार भी सकता हूँ। तो मारता हूँ और फिर करते हैं फिर इनका काम, या फिर ये दखल ना दे मैं ऊपर ऊपर रहकर बच जाऊंगा इनसे। तो करते हैं फिर काम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। तो फाइनली गाइस सारा का सारा काम हमने कंप्लीट कर दिया। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाज़ जो क्रैश हुआ हुआ है वो इतना ज़्यादा मस्त लग रहा है ना, क्या बताएं। तो गाइस इसका आनंद उठाने के लिए मुझे हवा में उड़ना पड़ेगा, और ये एक लोकी क्राफ्ट गेम प्ले है जिसमें इलाइट्रा नहीं होता, तो इसीलिए मुझे क्रिएटिव में जाना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा फिर ही जाकर कि कैसे मतलब कितना दूर से। अगर आप यहाँ से देखो तो भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है, पर मैं आपको उड़कर दिखाता हूँ तो आपको और ज़्यादा मस्त लगेगा। तो गाइस आ चुका हूँ मैं क्रिएटिव में, तो आप देख सकते हैं कि भाई इतना ज़्यादा मस्त जहाज़ हर तरफ से अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है, मस्त सी वाइब आ रही है। आप अंदर से भी देख सकते हैं, अंदर से मैंने थोड़ा बहुत अभी बिल्ड नहीं किया, आपको दिखा देता हूँ निचला हिस्सा नहीं मैंने बिल्ड किया, बट आप देख सकते हैं कि भाई अगर आपको आपके वर्ल्ड में ऐसा जहाज़ होगा तो आप मतलब अगर मैं ऊपर लेकर चलता हूँ मतलब आप, तो गाइस आप देख सकते हैं कि इतनी मस्त ऐसा दूर से तो भाई लग रहा है कि हाँ कोई पक्का यहाँ पर जहाज़ क्रैश हुआ था अपनी वर्ल्ड में। तो गाइस आप देख सकते हैं अपना वर्ल्ड भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बर्गर हाउस भी यहाँ पर है। तो इसीलिए गाइस कर दो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। जिस जिस को ये जहाज़ ओपी लगा है तो कमेंट बॉक्स में ओपी लिख देना, और साथ ही में साथ लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है इस वीडियो को। तो अगर आप भी अपने वर्ल्ड में जहाज़ बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके का जहाज़ बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या मस्त लग रहा है, एक क्रैश जहाज़ एक मतलब बिल्कुल ही अलग लेवल का लग रहा है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
तो आपको बस क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर दो, ताकि आप बाकी के बाकी लोग भी देख लें कि जहाज़ कैसे होते हैं, मस्त लग रहे हैं जहाज़। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।